अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप घर में भिंडियाँ कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले एक एम्प्टी पैन में मैं डालूँगी कुकिंग ऑयल। ये भिंडियाँ मैंने धो के सुखा के उसके बाद इनको छोटे छोटे पीसेस में काटा ताकि आप किसी भी किस्म के बाग और सुंडियों को देख सकें इसके अंदर, क्योंकि वो कभी कभी मेडल में भी होती हैं। ये भिंडियाँ हम डालेंगे पैन में। भिंडियाँ जो इनसे ऑलमोस्ट फ्राई हो गई हैं, इनको बस थोड़ा सा हल्का ब्राउन करके आप इसे सेपरेट डिश में निकाल लें। अभी भी भिंडियाँ मैंने एक तरफ अलग से ये डिश में निकाल ली हैं। मैंने भिंडियाँ फ्राई की थी उस पैन में, अभी भी ये ऑयल है और इस ऑयल में हम ये अनियन डालेंगे सारा का सारा। इस अनियन को भी आप नरम प्याजी कर लें, इसको ब्राउन नहीं करना क्योंकि हम भिंडियाँ गोश्त बना रहे हैं। इसको आपने जलाना नहीं है, बस तरह से नरम करना है। ये फ्राइड भिंडियाँ आपने इसके अंदर मिक्स कर देनी है। आपको नीचे से बंद करके इसको ऐसे ही रहने दें। अब हम गोश्त को इसमें डाल भिंडियों में डालने के लिए आपको चाहिए लहसुन, टमाटो एंड अनियन। इसके अंदर गार्लिक नहीं डलता। सूखे मसाले में लाल चिली पाउडर अपने टेस्ट के मुताबिक, सॉल्ट जैसे करनी चाहिए टेस्ट आपके टेस्ट के मुताबिक, खस्ते जायका, हल्दी बिल्कुल थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं डालेगा वरना आपकी सारी हांडी नहीं आती। ये जी बकरे का गोश्त है भुला हुआ, ये हम इसमें डालेंगे। इन सब चीज़ों में मैं पानी डाल के इसको दम पे रखना है, इसको कुकर लगाना है बेसिकली ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। गोश्त को मैंने फुल आंच पे कुकर लगाया, इसको मैं कुकर पे रखूँगी तकरीबन 10 से 15 मिनट। सो वी आर बैक विद ओपन लिड। अभी मैं आपको जो गोश्त मैंने रखा था कुकर में, अभी इसके अंदर बहुत सारा पानी है, इसको मैं खोल के तो पानी सुखाऊंगी। इसको मैंने फुल आंच पे रखा हुआ है। गोश्त मैंने दोबारा से कुकर लगा दिया था क्योंकि उसमें पानी था और थोड़ी सी खट्टी थी। ये देखेंगे फाइनल लुक है इसकी। ओह वाव, सो लाइक टक टक, ये इसमें से सारा पानी सूख गया है। इसको थोड़ा सा और ड्राई करें फुल आंच पे, और फिर इसमें जो आपने भिंडियाँ और अनियन ब्राउन किया है वो मिक्स करके दम पे रखेंगे। है मटन वो ज़बरदस्त तरीके से इसमें पानी सूख गया। अब मैं इसके अंदर सारी भिंडियाँ और प्याज ऐड करें। आई थिंक टू रिमाइंड यू, मैंने गोश्त में बिल्कुल किसी किस्म का ऑयल नहीं डाला था। जो भिंडियों में और प्याज में ऑयल था सिर्फ वही जो फ्राई करने के लिए डाला था वही डाला था, वो भी बहुत कम था क्योंकि नॉन स्टिक पैन था। ताकि सालों में ज़्यादा मजा आया। सो दीज मज़ेदार भिंडियाँ गोश्त इज़ रेडी टू बी सर्व। ये बहुत मज़े की बनी है, प्लीज़ डू ट्राई इट इन माई रेसिपी एंड दीज आर वेरी सिंपल। आई जस्ट ट्राई टू मेक सिंपल स्टफ फॉर द न्यू कुकर्स लाइक न्यू कुक्स। डू ट्राई इट एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉक्स हाउ डू यू लाइक इट। सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।